हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में व्यू मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पिछला पेज था, तो जैसे मैंने कंट्रोल एन एक न्यू सीट ली, एक न, मैंने न्यू सीट ली इस तरीके से। न्यू सीट लेने के बाद व्यू में जाता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको रूलर तक बताया था, अब चलता हूँ ग्रिड लाइन पे। तो ग्रिड लाइन का काम क्या है, जैसे मैंने ग्रिड पे क्लिक किया, ये ग्रिड लाइन शो होगी इस तरीके से। आप यहाँ जूम करते हैं, मैंने जूम किया इसको, आप यहाँ बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया इस तरीके से, एक पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ इस तरीके से, एक पॉइंट मैंने फिर यहाँ दिया इस तरीके से कुछ, एक पॉइंट फिर आपने यहाँ शो किया इस तरीके से। तो पॉइंट के टू पॉइंट आप उसमें काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, सिलेक्ट करता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये स्टाइल है कि मुझे किस तरह का स्टाइल लेना है। आप यहाँ इस तरीके से स्टाइल शो कर सकते हैं कि मुझे इसमें चोंच देनी है, क्या देना है, बिना चोंच के स्मूथ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू में जाके मतलब ग्रेड में जाके शो ग्रेड लाइन। आप इस तरीके से ग्रेड लाइन पे काम कर सकते हैं। मैंने किया ऐड, अपने हिसाब से कोई कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है ब्लू, तो ब्लू कलर आ गया आपका। आप यहाँ इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है 5 और यहाँ पर भी मैंने किया 5 इस तरीके से। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से वो साइज़ छोटा हो जाता है इसका। तो गाइडलाइन पे काम करने के लिए, ग्रेड लाइन पे काम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद अभी ये शो हो रहा है आपका, जैसे मैंने इसमें किया रूलर, आपने रूलर लिया, मैंने यहाँ रूलर पे काम किया इस तरीके से। मैं कोई रूलर लेके आ रहा हूँ तो इसको मैं टॉप बॉटम कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। जब आप यहाँ व्यू में जाके आप यहाँ करते हैं इसको, इसे भी शो है, मैंने इसको हटाया तो ये हाइड हो गया इस तरीके से। व्यू में जाके रूलर को शो करने के लिए शो पे क्लिक करा, शो हो गया आपका। व्यू में गया, आप करते हैं लॉक, तो ये लॉक हो जाता है, ये उठेगा नहीं आपका। आप यहाँ व्यू में गए, मैंने किया यहाँ जाके इसको कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। अपने रूलर का कलर जो भी आप देना चाहें, जैसे मैंने रेड कलर दिया, ओके करता हूँ तो ये कलर रेड होके आ जाता है रूलर का। इसके बाद क्लियर, तो ये क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप ये जो ग्रेड है ये हटाना चाहते हो, तो ये मैंने इस तरीके से हटा दी। तो आप ग्रेड या रूलर की हेल्प से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा यहाँ चलता है अलाइन ग्रेड, कि हमने क्या क्या चीज़ शो कर रखी है। जैसे हमने बाहर से अलाइन शो कर रखी है, तो वो चीज़ ये हमारा यहाँ शो कर रहा है कि हमने क्या क्या चीज़ शो कर रखी है। धन्यवाद।